दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। आज जब सारा राष्ट्र कोरोना की महामारी के लिए संघर्ष कर रहा है, ऐसे समय राजस्थान सरकार पूर्णतया तुष्टिकरण में लगी हुई है। पहली बार है जब राज्य के शिक्षा मंत्री ने इस कोरोना में ड्यूटी न लगाने के लिए धर्म की आड़ ली है। उन्होंने कहा है कि किसी भी रोज़ा रखने वाले की इस समय ड्यूटी न लगाई जाए, जो कि उसके पहले कभी भी नवरात्रि रहे हों या कोई और त्यौहार रहे हों, धर्म के आधार पर कर्म का विभाजन कभी नहीं रहा। ये पहली बार करके उन्होंने तुष्टिकरण किया है, इसकी मैं निंदा करता हूँ। और साथ ही राज्य सरकार अपनी विफलता छिपाने के लिए केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगा रही है। आज भी कई मंत्रियों ने जब वीसी की, वह भी केवल अधिकारियों की जनप्रतिनिधियों से उन्होंने बुलाया नहीं, पूछा नहीं और उनको जोड़ा नहीं, और साथ में उनके बाद भी इस प्रकार के केंद्र पर आरोप लगाए, जबकि केंद्र ने आज तक जितना राजस्थान को हर मुद्दे पर दिया है उतना कभी भी पहले नहीं मिला। मैं मांग करूंगा कि राज्य सरकार इसको स्पष्ट करे कि आज तक उसको केंद्र से क्या क्या मिला है और राज्य सरकार ने अपनी जेब में से किस मद में कितना खर्च किया है, तो जनता के सामने स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और जबकि वास्तव में राज्य सरकार की और अन्य लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने ट्रेनें भी चलाईं, साथ में फ्लाइट से भी अन्य राष्ट्रों से भारतीयों को यहाँ ले आए, उसमें मोदी के प्रति आभार व्यक्त करना तो दूर रहा, लेकिन अन्य अनेक प्रकार के केवल आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी विफलताएं छिपा रहे हैं। और उसी की कड़ी में अजमेर प्रशासन भी पूर्णतया विफल साबित हुआ है। मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि हाल ही में जो लोग जायरीन बाहर गए हैं, चूँकि अजमेर में 4,000 के आसपास जायरीन थे और उनको अजमेर से बाहर भेजा है, अभी हाल ही मालूम पड़ा कि जो आसाम जायरीन पहुँचे उनमें से 5 पॉजिटिव आए हैं, पता नहीं और कितने जायरीन कहाँ पॉजिटिव आएंगे। इसलिए सरकार को तुरंत जिन गेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे सबको सैनिटाइज कराए, गेस्ट हाउस के मालिक और वहाँ जो काम करने वाले लोग थे उनका टेस्ट कराए, और इस क्षेत्र में एक सघन टेस्टिंग का अभियान चलाए, नहीं तो कभी भी ये एक विस्फोट धारण कर सकता है। अभी अजमेर निश्चित रूप से एक प्रकार के विस्फोट की स्थिति में खड़ा है, रोज नित्य नए इसमें संक्रमित लोग बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे समय प्रशासन अपनी निश्चित रूप से डेली होने वाली जांचें निगेटिव आए ताकि स्थिति पारदर्शिता बनी रहे। इस समय ये पता ही नहीं लगता कि कितने नमूने लिए गए, उसके आधार पे नमूनों की संख्या बढ़े और सुरक्षा की दृष्टि से आगे बढ़े, और इस कारण से जायरीन जो जहाँ गए हैं वह तो वहाँ कुछ पहुँचे, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए जो अशोक जी ने घोषणा की, एक ओर तो प्रवासी मजदूरों को बाहर भेजा और अचानक ही सीमा को सील कर दिया, इसलिए बाहर से आने वाले राजस्थानी आज इस सीमाओं पर पड़े हैं, कितने दुखी हैं इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो इस प्रकार की नीति सोच समझ के बनाई जाए, किसी भी राजस्थानी को बाहर रोके नहीं, जांच करें, बाकी सब कुछ करें, नहीं तो सीमाओं पर रोकना निश्चित रूप से अमानवीय है। अतः तो मैं मांग करता हूं कि इन सबको आने दिया जाए, जांच करें या क्वारंटाइन करें, जो भी एक सिस्टम है उसका पालन करें, लेकिन सीमा बंद करके सीमा पर रोके रखना निश्चित रूप से जहाँ अमानवीय है वहाँ अन्याय है।